है असीम, अनादि अनंत। मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए, ऐसा हृदय जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम पूर्ण रहे। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन को उनके डांस और एक्शन के लिए जाना जाता है और फैंस उनकी मूवीज के लिए दीवाने हैं। फिलहाल वो अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर और वो 2 में काफी बिजी हैं और अब उनकी एक और नई फिल्म का बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, अब ऋतिक रोशन की एक और हिस्टोरिकल फिल्म आ रही है। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने कई हिस्टोरिकल फिल्म की है जिसमें जोधा अकबर और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं और इन फिल्म्स को फैंस ने काफी पसंद किया था। खबरों की माने तो संजय लीला भंसाली, जिन्हें अपनी बिग बजट हिस्टोरिकल फिल्मों की वजह से जाना जाता है, वो अब एक और हिस्टोरिकल फिल्म लेकर आ रहे हैं। बता देगी इस फिल्म की स्टोरी एक बुक से इंस्पायर्ड है और इस बुक का नाम द इमोर्टल ऑफ मैलुआ है, जिसे अमीश त्रिपाठी ने लिखा है और ये बुक भगवान शिव की लाइफ के ऊपर है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में भगवान शिव का रोल निभाएंगे। पहले ये रिपोर्ट थी कि करण जौहर इस बुक पर फिल्म बनाने वाले हैं क्योंकि इस बुक के राइट उन्हीं के पास हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो हिंदू भगवान पर फिल्म बनाने से डर रहे हैं, जिसके बाद संजय लीला भंसाली इस प्रोजेक्ट पर काम करने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो फिल्म का बजट काफी ज्यादा बताया जा रहा है और फिल्म में हमें जबरदस्त VFX के साथ एक्शन भी देखने को मिल सकता है और इस फिल्म को बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। बता दें कि संजय लीला भंसाली पहले भी ऋतिक रोशन के साथ फिल्म गुजारिश में काम कर चुके हैं, तो ऐसे में ऋतिक रोशन के साथ काम करना उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। बता दें कि फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन फैंस इस फिल्म को जल्द से जल्द सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं और साथ ही वो ऋतिक रोशन को भगवान शिव के रोल में देखना चाहते हैं। ऐसे में आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिल्मों से जुड़े ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें।